अभी अभी आपने एक केस देखा होगा, उसमें क्या था कि एक साथी ने एक सवाल पूछा हुआ था, एक फ़ोटो वायरल की थी साथ में, और पीछे कुछ बैकग्राउंड में डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर का कोई मुद्दा था। हालांकि उस साथी से मेरी पहली मुलाकात में ही मैंने बता दिया था कि हम लोग समाज के लिए किस दिशा में काम कर रहे हैं और जनता सरकार मोर्चा का क्या विज़न है। तो उसने जनता सरकार मोर्चा के काम पे ही सवालिया निशान उठाया था। ऐसा तो नहीं होता कि ऐरे गैरे किसी की भी सवाल का जवाब हम लोग देते फिरें, पर क्योंकि उस साथी की इंटेंशन बहुत अच्छी है, हमें पता है समाज के लिए चिंतनशील व्यक्ति है, लेखन उनका अच्छा काम है, तो इसलिए अच्छा उस फोटो के अंदर अक्षय ही मुख्य रूप में था। तो अक्षय जब अभी मेन लीड में आने लगा, जब जनता सरकार मोर्चा के साथ में काम करने लगा, तो उसने अक्षय की वो फोटो शेयर करके और साथ में ये लिखा था कि खेती में जो डिजिटलाइजेशन है उसके पीछे जनता सरकार मोर्चा का क्या विजन है या उसका क्या स्पष्टीकरण है और उनका क्या विचार है। हालांकि मैं अपना विचार 2020 में ही उनको स्पष्ट कर चुका था, और 2021 में भी जनता सरकार मोर्चा जब बना नहीं था उस वक्त भी हम लोग किसान आंदोलन में साथ में थे, तब भी मैं उनको पूरी बात बता चुका था। फिर मेरी एक वीडियो भी थी पुरानी, जो पुराने चैनल पर डिलीट हो गई थी, जिसमें डिजिटलाइजेशन का पूरा खेल मैंने ओपन किया हुआ था। और दूसरा, अभी अक्षय की जबान से भी सुन लीजिए कि वो पूरा का पूरा प्रकरण क्या था, और उस डिजिटलाइजेशन वाली जो वर्कशॉप थी उसमें खेती में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट समय समय पर होते रहते हैं, और पहले भी हुए, आज भी हो रहे हैं। पहले के दौर में अगर हम बात करें, केमिकलाइजेशन की बात करें, नए नए हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स आए, और इस तरह का दावा किया जाता था कि ये किसान की फसल की उपज को बढ़ा देंगे। और आज के दौर में डिजिटल युग है, डिजिटलाइजेशन के नाम पे खेती में डिजिटलाइजेशन का कैसे क्या रोल हो सकता है, और प्राइवेटाइजेशन की बात करें, कॉरपोरेटाइजेशन की बात करें, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही हैं। लेकिन बड़े दुख की बात ये है, चाहे केमिकलाइजेशन हो चाहे डिजिटलाइजेशन हो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं कॉरपोरेटाइजेशन को बढ़ावा देती हैं। और खेती के सेक्टर में भी बड़े दुख और विडम्बना है हमारे देश की, कि हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 10 ऐसे MOU साइन किए उन कंपनियों के साथ जिन कंपनियों का खेती से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे अमेज़न की मैं बात करूं, जियो की मैं बात करूं, पतंजलि की मैं बात करूं, फ्लिपकार्ट की मैं बात करूं, निंजा कार्ट की मैं बात करूं जो वॉलमार्ट की कंपनी है, तो इस तरह की तमाम 10 कंपनियों के साथ MOU 10 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने साइन किए। और इससे हम ऐसा समझ पा रहे हैं जो फार्मर रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि कहीं ना कहीं जो 13 महीने के लिए कॉरपोरेट को पीछे धकेलने के लिए और अपनी मांग मनवाने के लिए जो 3 कृषि कानून का विरोध 13 महीने के लिए किसानों ने किया, वो बैकडोर से कहीं ना कहीं वो ही काम की पूर्ति जो इंटेंशन थी सरकार की, इन 10 MOU के माध्यम से यह सरकार करना चाहती है। इसमें एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ नवंबर में, 21 और 22 नवंबर को 2022 में दिल्ली IIC में। उसमें मुख्य रूप से तीन ऑर्गेनाइजेशन थी, रूरल वॉइस, IT फॉर चेंज और कृषक समाज, जिन्होंने इस
ये डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर के ऊपर एक वर्कशॉप कराई और जिसमें देश के तमाम रिप्रेजेंटेटिव जो किसानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अलग अलग यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने हिस्सा लिया और इस चीज़ को समझने का प्रयास किया कि डिजिटलाइजेशन के क्या क्या फ़र्क पड़ेगा किसानों के ऊपर, कैसे वो हार्मफुल हैं या कैसे वो चीज़ फ़ायदेमंद है किसानों के लिए, वो समझने के लिए एज ए फार्मर रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की तरफ से केरला से केवी बिजू जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से और मैं एज ए नेशनल यूथ प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, हमने भी वहाँ पे हिस्सा लिया और पूरे देश भर से, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ से, पूरे देश के किसानों ने, किसान रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहाँ पे हिस्सा लिया। तो हम एक चीज़ बड़ा क्लियर और स्पष्ट करना चाहते हैं, चाहे तीन कृषि कानूनों की बात हो, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एग्रीमेंट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, ये तीनों भी कहीं ना कहीं कॉरपोरेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे। और आज अपने देश में सिर्फ कॉरपोरेट एक समस्या नहीं है बल्कि कॉरपोरेट में भी मोनोपोली ऑफ कॉरपोरेटाइजेशन, किसी चंद आदमियों का ही एकाधिकार इस क्षेत्र में हो रहा है। तो इस चीज़ का तो विरोध किसान कभी से करते आए हैं और जो डिजिटलाइजेशन है वो भी कहीं ना कहीं कॉरपोरेट घरानों को ही बढ़ावा देगा, तो इसका भी निश्चित तौर पर किसान और किसान नेता विरोध करते हैं। और ये बात अलग है कि सब तक ये बात नहीं है कि कौन से MOU साइन होंगे, इनका क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उसमें जो सरकार की इंटेंशन है, व्हाट गवर्नमेंट वांट इज, गवर्नमेंट वांट्स की फार्मिंग विदाउट फार्मर्स, खेती बिना किसानों के, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी समझने की चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर एकलौता ऐसा सेक्टर है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, उसके बावजूद इस सेक्टर में भी सरकार ने रास्ता दे रही है पूंजीपति लोगों को पैसा कमाने का। तो आप समझने की बात है, जो किसान खेती करता है, जो किसान के खेत में मजदूर खेती करवाता है, तो वो कहाँ जाएंगे? उनका पैरेलली किसान ने कोई, जो सरकार ने कोई प्रबंध किया कि उनको वहाँ पे हम रोजगार देने का काम करेंगे? नहीं। तो एक बड़ी दुख की बात ये है कि, और बड़ी सोचने का विषय सभी किसानों के लिए, किसान नेताओं के लिए ये है कि इस चीज़ों को कैसे टैकल किया जाए। सिर्फ बात खेती किसानी की नहीं रही, बात रोजगार की भी है। जो आज की नौजवान युवा पीढ़ी है उसको आप कैसे रोजगार देने का काम करेंगे? मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसमें कैसे ये काम करें। जैसे श्रम करने, मतलब फिजिकल वर्क करने की जरूरत नहीं रही किसान को खेती करने के लिए, आप अपनी फिंगर से खेती कर सकते हैं, अपनी उंगलियों से खेती कर सकते हैं। वो कैसे? आप एक आपका कमरा होगा जिसको, मतलब आप लगा लीजिए, ऑफिस लगा लीजिए, और उसी से पूरे हजारों एकड़ की खेती ऑपरेट की जा सकती है। वो ऑपरेट कैसे होगी? आपके सेंसर लगा दिए जाएंगे आपके खेत में, सेंसर से ये पता लगेगा कि नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, जिंक की कमी है, सल्फेट की कमी है, किस चीज़ की कमी है। उसी के हिसाब से कंप्यूटर दवाई तैयार करेगा, उसी के हिसाब से कंप्यूटर ही वहाँ पे ड्रोन के साथ स्प्रे करने का काम करेंगे, और उसी के साथ साथ जैसे फसल पक के तैयार होगी, ओला उबर जैसी कंपनियों के साथ सीधा कंबाइंस को अटैच कर दिया जाएगा, वो सीधी किसान के खेत में जाएंगी, वहाँ पे फसल को काटेंगी, सीधा अमेजन जैसी कंपनियाँ जो हूँ वहीं से खरीद कर लेंगी उस चीज़ की। तो किसान का रोल आप देख सकते हैं कहाँ पे इसमें रहा। ओला उबर वाले जो, मतलब वहाँ पे जो फिजिकल काम था किसान का इधर से उधर ले जाने का, वो खत्म हो गया। खेत में मेहनत करने का काम खत्म हो गया, पानी देने का काम खत्म हो गया, स्प्रे करने का काम खत्म हो गया। तो किसान करेगा क्या? किस बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करेंगी और बड़ी जो किसान है वो अपने घर पे बैठेगा और मजदूर घर पे बैठेगा, बेरोजगार होकर अपने घर पे बैठेगा। जिसकी थोड़ी बहुत जमीन होगी उसको थोड़ा बहुत पैसा मिलता रहेगा। लेकिन ये चीज़, इससे भी आगे की बड़ी चीज़ ये है कि रोजगार पूरे देश में ख़त्म हो जाएगा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को गंभीरता से, इन चीज़ों को गंभीरता से एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं लिया गया। दूसरी एक और बात, मतलब आप देखिए, जो आज डिजिटलाइजेशन के नाम पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां खेल कैसे खेलती हैं, सबसे बड़ी अनसिक्योरिटी होती है डाटा की। आप किसानों का जो डाटा होगा वो अनसिक्योर होगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। जॉन डीरे नाम की एक कंपनी है जो ट्रैक्टर्स बनाती है, और जो मैकेनिकल बेस कंपनी है वो कंपनी आज के टाइम पे जितने मैकेनिकल इंजीनियर उसने हायर करने चाहिए उससे ज़्यादा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए कि जो पैसा वो
अपने टूल्स बना के, अपने हार्डवेयर्स बना के या अपनी मशीनरी बना के कमाते थे, उससे ज्यादा वो पैसा जो डाटा उनके पास किसानों का आता उसको बेच के बना कमा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा विचारणीय विषय है। और डाटा की बड़ी अनसिक्योरिटी है इस डिजिटलाइजेशन में, और ये डिजिटलाइजेशन और ये सारी चीज कहीं ना कहीं FTA, और हम तो पहले से कहते आए हैं कि जब तक WTO से इंडिया एग्जिट नहीं होगा तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। गेट जैसे समझौते से भारत बाहर नहीं आएगा जब तक किसानों का भला नहीं हो सकता। और अभी जितने भी FTA हैं, मैं पीछे एक RCEP की बात करूं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करूं, वो भी हमारी यूनियन ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने वहां पे पूरा, उसका राष्ट्रीय किसान महासंघ ने पूरा विरोध किया उस चीज का, और RCEP से भी इंडिया को एग्जिट होना पड़ा। ऐसे ही जितने भी FTA हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उनसे जब तक इंडिया बाहर नहीं होगा जब तक अपने देश के किसानों का भला नहीं हो सकता। और डिजिटलाइजेशन, केमिकलाइजेशन और कॉरपोरेटाइजेशन, ये कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा, उस जंजाल का हिस्सा, उस जाल का हिस्सा अपने देश को बनाने जा रही हैं। FTA के नाम पे बहुत सारी मतलब जो बाहर से माल आता है उनकी इम्पोर्ट ड्यूटीज हटा दी जाती हैं, उससे नुकसान किसको होगा? अल्टीमेटली भारत की प्रोसेसिंग कंपनियों को, किसान को, उनको होगा। और दूसरा, अगर ऐसा कोई नया एक्सपेरिमेंट करना भी चाहते हैं, हम टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं करते, और टेक्नोलॉजी का हम इसलिए विरोध नहीं करते, देखिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि इतनी एक ऐसी भी कंपनियां हैं, उड़ीसा में एक ऐसा सर्वे हुआ कि 1800 किसानों के ऊपर एक सर्वे किया गया, उनको ये पता लग गया कि 1800 में से 4 किसान मात्र उस कृषि कार्ड से जो लोन लेते हैं उसको पे कर सकते हैं। उनको कैसे पता लगा? वो बता रहे कि उनको सैटेलाइट के माध्यम से ऊपर से उनके जो जूम करते हैं वो अपने कैमरा से 2x2 का एरिया को ऊपर से देख सकते हैं सैटेलाइट के माध्यम से। आपका फोटो अगर खींचना है, आपके खेत का फोटो खींचना, तो आपकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर से सैटेलाइट के माध्यम से ऐसे फोटो खींच देंगे और वहीं से ये अंदाजा लगा लेंगे कि इस फसल में कितनी उपज हो सकती है, ये पे कर सकता है नहीं कर सकता। इस तरह की चीजें, इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी वो लोग कर चुके हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ, ये जो डिजिटलाइजेशन है इसका किसान विरोध करते हैं, जैसा मैंने कहा, ये सारी चीज कहीं ना कहीं ये टेंड करती है मोनोपोली ऑफ कॉरपोरेटाइजेशन। भारत के पास या भारत सरकार के पास ऐसा कोई इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर है नहीं जिसके माध्यम से वो सारी चीजें कंट्रोल करेंगे, वो किसी प्राइवेट कंपनी को देंगे। प्राइवेट कंपनियां भी वो प्राइवेट कंपनियां होंगी, अंबानी अडानी जैसे, जो खुद मतलब हर चीज में, आप कोई भी फील्ड का नाम लीजिए, हर चीज में वो स्वयं भू बन के बैठे हैं, हर चीज में वो मतलब अपने आप को सर्वोपरि रख के किसी चीज का उस फील्ड से लेना देना बेशक ना हो, लेकिन उस फील्ड में वो अपने माहिर बन के बैठे हैं। और जो कॉरपोरेट की मोनोपोली है इन नाम के, मतलब अडानी के नाम से, अंबानी के नाम से आज देश में जो चली हुई है, उसका विरोध तो किसान पहले दिन से करता है। और आंदोलन के टाइम पे हम बता दें, किसानों ने तो जियो की सिम एक दिन में 1 करोड़ सिम को बायकॉट कर दिया था, मतलब सिम छोड़ दी थी सिम कार्ड। तो इस लेवल का किसान नेता विरोध कर रहे हैं, और डिजिटलाइजेशन का भी हम विरोधी मैं कहूंगा, क्योंकि हम जो कॉरपोरेट की मोनोपोली है और जो देश के रोजगार और खेती की जो समस्या है उसके लेकर, उसको लेकर हम गंभीर हैं, इसलिए हम इन चीजों का भी विरोध करते हैं। जब सारा काम मशीनें करेंगी, व्यक्ति के लिए को काम ही नहीं बचेगा, तो मतलब अल्टीमेटली दिस इज नॉट गुड फॉर कंट्री। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक जिक्र चला था, जो लास्ट में इस वीडियो बनाने का पर्पज भी यही था, एक फोटो काफी दिनों से वायरल हो रहा था, वो कौन आदरणीय वायरल कर रहे थे, और उनको ये संशय था कि कहीं ना कहीं किसान नेता बोल नहीं रहे। जैसा मैंने इस वीडियो में जिक्र भी कर दिया इस बात का कि 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, हमारी कोई सरकार के साथ वो मीटिंग नहीं थी, 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इस वर्कशॉप का को आयोजित किया था और हमें उसमें इन्वाइट किया था, और एज ए रिप्रेजेंटेटिव हम वहाँ पे गए थे। हम कोई बात नहीं थे उनकी बात मानने के लिए या उनकी जो कही, मतलब हम अपने इंडिपेंडेंटली हम अपने सजेशंस दे रहे थे, हम उन बातों को समझ रहे थे जो चैलेंजेस इन फ्यूचर किसान फेस करने वाला है। तो एक तो मेरा निवेदन करना चाहूँगा कि बिना जाने, बिना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के आप कोई भी इस तरह की चीज़ों को प्रोपोगेट सोसाइटी में ना करें, समाज को भ्रमित करने का काम ना करें। हम पहले दिन से एक कॉरपोरेट घरानों की गलत चालों के खिलाफ हैं और भविष्य में भी। और मैं आपको बता दूं, 7th ऑफ मार्च को एक कन्वेंशन गांधी पीस फाउंडेशन में हुआ था,
उसमें भी हमने यही बात कहने का काम किया था कि जो मोनोपोली ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन है उसको हम मतलब वी आर टोटली अगेंस्ट दिस, और हम अल्टरनेट क्या हो सकता है ये भी एक चीज है कि इन चीजों का समाधान फिर क्या हो। हम ये चाहते हैं कि सरकार कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे, एज कंपेयर टू पैरेलली इन कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट्स हैं इनके पैरेलली कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे, जैसे अमूल का सिस्टम एक बार चला था गुजरात से, इस तरह के कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे के मतलब सेल्फ बेस जो समाज के आधार पे जो ऐसी मतलब संगठन तैयार हो, जो प्रोसेसिंग की भी उनमें बात हो, मार्केटिंग की उनमें बात हो, और प्रोड्यूसिंग तो किसान कर ही रहा है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगा, आपका धन्यवाद करूँगा, और इस बात काफ़ी दिनों से मन में था ये वीडियो बनाने के, और ये जो डिजिटलाइजेशन का है मंत्र, मैं फिर कहता हूँ कि जो किसान को किसान की खेती को और जो देश के नौजवानों के रोजगार को चीज़ें ख़त्म करने के लिए आती हैं, हम उस चीज़ के अगेंस्ट हैं, चाहे वो चीज़ कोई भी लेके आ रहा हो। धन्यवाद, नमस्कार।